वेलकम स्टूडेंट, एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल में स्वागत है। 60,244 का एग्ज़ाम 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को है। और ये जो मैथ का मैं प्रैक्टिस लेके आया हूँ, जो आपके पेपर में 19 प्रश्न पूछे जाएंगे, 19 से 20 प्रश्न इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने उसी प्रश्न को चुन चुन के रखा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पूरी सिलेबस को कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मैं बार बार इस बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और इस प्रैक्टिस को हल करने से आपको ये महसूस होगा कि आपने बिल्कुल पेपर जैसे प्रैक्टिस हल किए हैं। और आपको ये भी बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, और वही प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र तक शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, 12,502 के पावर 149 के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए, ये यहाँ पे आपको डरना नहीं है, इसका मतलब 12,502 के पावर 149 इस टाइप को, क्योंकि कभी कभी पेपर में ऐसे भी छप जाए तो आप के अंदर ये डाउट आ जाए कि ऐसे प्रश्न मैंने पढ़ा ही नहीं, ये क्या प्रश्न आ गए। तो आपको ये समझ लेना है कि पावर होता है। तो 12,502 के पावर 149 के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको याद इतना सिर्फ रखना है कि जो पावर रहेगा उस पावर को आपको 4 से भाग देना है। अगर शेषफल जीरो आया है तो जो इकाई अंक रहेगा पीछे का, उसको आप 4 बार गुणा करेंगे, उस संख्या को 4 बार गुणा करेंगे। अगर शेषफल 1 आया तो 1 बार गुणा करेंगे, 2 आया तो 2, और 3 आया तो 3 बार गुणा करेंगे। कैसे अब हम लोग समझते हैं इन सवाल को, आप देखिए। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है 149, इसको अगर आप 4 से भाग देते हैं तो 4 23 12, 2 और 4 7 28, पूरा का पूरा कट जाएगा, केवल एक शेष फल बचेगा। तो 2 केवल एक बार ही रखेंगे, तो इकाई अंक इसका 2 हो गया, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं, कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए, अगर मैं घन करता हूँ 1 से लेके 10 तक कोई भी अंक का, 1 से लेके 10 तक कोई भी अंक का, तो 1 का अगर मैं घन करूँगा तो 1 एकम 1 एकम 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं 2 का करूँगा तो 2 दुनी 4 दुनी 8 भी आएगा। 3 का करूँगा तो 3 3 9 3 27, इसका इकाई अंक 7 आ गया। 4 का करूँगा तो 4 चौक 16 चौका 64 आ गया। 5 का इकाई करूँगा, इस तरह 5 आ जाएगा। तो क्या आपको पता चला कि 1 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो हम स्पेशल 1 8 9 नहीं कहेंगे, 0 से 9 के बीच में कोई भी संख्या इकाई अंक हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर बताना है, ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 रुपये अधिक है तथा ब्रेड और जैम की कुल कीमत ₹75.50 है, तो ब्रेड की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं ब्रेड की कीमत, बी से आप ब्रेड समझिएगा, ब्रेड की कीमत को मैं यक्स मानता हूँ, और जैम को मैं जैम की कीमत को मैं क्या मानता हूँ, वाई, ठीक है। या आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ब्रेड बी हो गया और जे से क्या हो गया, जैम। अब कहा गया ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 अधिक है, तो हम लिख सकते हैं बी, ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 रुपये अधिक है, ठीक है। फिर कहा गया है ब्रेड और जैम की कुल कीमत दोनों को मिला के 75 रुपये 50 पैसे है, मतलब ब्रेड और जैम दोनों को अगर मिला लिया जाए तो कितना है, 75 रुपये 50 पैसे। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक समीकरण, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक समीकरण, हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस ये कट जाएगा, ठीक है। और बी बी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2B।
और इनको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100.50। अब 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 50.25। तो क्या मिला, बी का मतलब ब्रेड का दाम आपको मिल गया, और ब्रेड का दाम कितना मिल गया, 50.25। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपसे पूछा गया था ब्रेड का दाम क्या होगा, तो 50.25 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे जैम की कीमत पूछी जाती तो कुछ करना नहीं था, 75.50 ब्रेड और जैम दोनों का था, और ब्रेड का आपने निकाला कितना, 50.25, इसे आपको माइनस कर देना था और आपका जैम का भी कीमत आ जाता। अगला प्रश्न आपके सामने, एक संख्या का 2/3 216 है। अब देखिए 2/3 कितना कहा गया, 216 है, ठीक। तो उस संख्या का 1/18 क्या होगा। अच्छा, आपको पता है अगर मैं इसे संख्या बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, या आप सीधा संख्या निकाल लीजिए, कौन सी संख्या है, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, और बराबर का तिरछा गुणा करेंगे हो जाएगा 324। संख्या हमें मिल गई 324। अब 324 मिल गई तो कहा गया उसी संख्या का 1/18, तो 1/18 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या होगा अगर हम इसको काटते हैं, तो 18 × 1 = 18, ये कटेगा, 18 × 8 = 144 ये कट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 800 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। देखिए 800 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, तो 3 और 5 दोनों का हम लासा लेंगे तो लासा कितना आ गया, 15, ठीक है। अब 15 से हम 800 को भाग दे देंगे और जितना भागफल आएगा वही हमारा संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम 800 में क्या करते हैं, हम 15 से भाग देते हैं, तो 15×5 कितना हुआ, 75, यहाँ 5 और 15 = 45, ठीक है। शेषफल हमें नहीं ध्यान देना है, कितना भाग फल आया, 53, तो 53 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं तो एक ई बुक आपके सामने लॉन्च हुई है, आप देख सकते हैं। इस ई बुक को बहुत विशेषकर ध्यान से एक एक पॉइंट को, सामान्य ज्ञान के सभी टॉपिक, हिंदी के सभी टॉपिक, मैथ के सभी टॉपिक, साथ में रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं इतिहास के टॉपिक और अन्य इसी तरह जितने भी टॉपिक हैं सभी को कवर किया गया है, जिसे आप आसानी से इस ई बुक को पढ़कर आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। इससे बाहर हमें नहीं लगता है कि कुछ भी प्रश्न छपने वाले हैं। अगर आपको इस ई बुक को लेना है तो अभी ऑफ़र में ये 49 रुपये में आपको मिल रहा है। अगर आपको लेना है तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके लिए आपको संपर्क करना होगा, मोबाइल नंबर है 89 48 66 76 52, 89 48 66 76 52 पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि ई बुक आपको कैसे बाई करना है। तो दोस्त, इस ई बुक को पढ़ने के बाद लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और आप सिलेक्शन के करीब पहुँचेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ई बुक को ज़रूर खरीदें। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है, यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, अब हम इसी पे हल कर देंगे। अब भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है, इसमें यदि शेषफल 9 है, देखिए शेषफल तो हमें पता चल गया कितना है, 9 है, 9 हम प्लस रख देंगे, और जो शेषफल 9 है वो क्या बताया गया है कि भाजक भागफल का तो 11 गुना और शेषफल का 22 गुना है। जो भाजक है ये कितना है, शेषफल का 22 गुना, तो हम रख सकते हैं 22 गुना कितना हुआ, 9 का 22 गुना करेंगे तो 9 × 2 = 18 और 9 × 2 = 18 = 19, ठीक है। और 11 गुना, इसका 11 गुना कहा गया है ठीक है, भागफल का 11 गुना है। अगर हम 11 गुना देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,
मैंने 11 से भाग दे दिया, इससे हमें संख्या पता चल गई कि भागफल क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 9 का 22 गुना 198 है, मतलब शेष फल का 22 गुना है, और यहाँ पे भागफल का 11 गुना है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब पूछा गया था कि संख्या कौन सी है, मतलब भाज्य कौन सा है, तो हम गुणा करेंगे इनको इनको। अट मैंने गुणा कर दिया 3564 प्लस 9, इसे आप जोड़ेंगे तो आपका 3573 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है 15995 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि इस संख्या में कितने शून्य दिए गए हैं। देखिए ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए बस आपको सिर्फ याद ये ध्यान रखना है कि इसे 5 से आपको डिवाइड करना है, और 5 से तब तक डिवाइड करना है जब तक ये संख्या कटती रहे। ठीक है, जैसे लिखा है 15995, हमें इसके शेष फल पे नहीं ध्यान देना है। अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ तो 5 3 15 और फिर 5 1 5, ध्यान से देखिएगा 5 1 5 4 बचा और 5 9 45 5 9 45। ठीक है, फिर मैं अगर इसे 5 से काटता हूँ, क्योंकि 5 से फिर कटेगा, तो 5 36 5 36 और 1 बचा यहाँ पे 19 हुआ, 5 3 15, फिर यहाँ पे 4 बचा, यहाँ 49 हुआ, 5 9 45। 4 बच रहा, हमें शेष फल पे बिल्कुल ध्यान नहीं देखना, 5 से फिर काटना है, 5 1 5 एक इसमें गया 13 हुआ, 5 2 9 10, 3 इसमें गया 39 हुआ, हमें 39 हुआ, 5 7 35। ठीक है, ये देखना आगे 5 से फिर हम काटेंगे अगर इसको, तो 5 2 9 10 और 2 इसमें चला गया, तो 5 25, 2 नहीं देखना है, और फिर इसको हम काटेंगे तो 5 25 और फिर एक बारी कटेगा 5 1 5। अब हमें क्या करना है, जब पूछा जाए कि शून्यों की संख्या क्या है, इसी तरह हमें संख्या को काटना है और नीचे का सभी स्टेप को आपको जोड़ लेना है। तो जोड़ने के लिए क्या क्या मिला, 3199, 639, 127, 25 और 5। ठीक है, और 1, इतनी संख्या को हमें जोड़ना है। तो बस 9 9 18 18 7 25, 5 30 5 35, 1 36 के 6 और 9 3 12 2 14 2 16, 16 3 19 के 9 हासिल आई आपके, 1 और 6 1 7 1 8 1 हासिल 9 और 3 3996 3996 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देखना है और बताना है। संख्या 12 32 4 H 84 में हज को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि यह 8 का गुणज बन जाए। देखिए इसको करने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप चाहें इसे ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे विदाउट ऑप्शन के भी कर सकते हैं, लेकिन हम विदाउट ऑप्शन के देखेंगे। अगर आपने गुणज का नियम पढ़ा होगा तो ये कहा गया है कि 8 का गुणज बन जाए, 8 से वही संख्या कटती है जिसके पीछे का 3 अंक कटता है, 8 से वही पूरी संख्या कटेगी जिसके पीछे का 3 अंक कटेगा। आपने गुणज का नियम नहीं पढ़ा है तो आज आप याद रखिएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर पीछे का 3 अंक कट गया तो वह 8 से संख्या कट जाएगी। तो हच लिखा है और 8 लिखा है और 4। ठीक है, अगर हम 8 से इसको काटना चाहें तो हच के स्थान पे क्या रखेंगे। अगर मैं पहला ऑप्शन ये रखता हूँ तो 8 तो ये आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये कटेगा नहीं तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ तो 6 रखूँगा तो ये हो जाएगा 68, तो 8 28 64 और 4 बचेगा, फिर भी नहीं कटेगा तो मैं ये भी संख्या नहीं रख सकता। अगर मैं 9 रखता हूँ, यहाँ पे 9 आ जाएगा 9, तो 8 1 8 एक यहाँ पे बच जाएगा, फिर 8 2 16 2 और 8 3 24 कट जाएगा। 9 रखने पर ये संख्या क्या होगा, कट जाएगा, तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 5223 से 5227 दोनों सम्मिलित तक
पांच कर्मागत प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को पांच से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए कर्मागत का मतलब होता है लगातार। अब कहा गया है 5223 से 5227 तक करेंगे 5224, 5225, 5226 और 5227। इनको किससे कहा गया है? पाँच से विभाजित किया जाए, पाँच से विभाजित किया जाए उसके बाद शेषफल क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न को अगर आप पूरा ऐड करके भाग देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। हम क्या करेंगे, सीधा पाँच से इसमें भाग देंगे तो इसमें देंगे तो पाँच पाँच चौक बीस और पाँच चौक बीस इसमें शेषफल बचेगा तीन, इसमें भाग देंगे तो इसमें बचेगा शेषफल चार, इसमें पाँच से भाग देंगे तो इसमें शेषफल पाँच एकम पाँच, पाँच चौक बीस, पचाव पच्चीस, यहाँ शेषफल बचेगा जीरो, यहाँ शेषफल बचेगा पाँच पाँच चौक बीस एक और यहाँ बचेगा अगर देंगे तो दो। ठीक है, अब शेषफल कितना बचा जोड़ेंगे तो चार तीन सात एक आठ और आठ दो दस। अब दस फिर आ गया और दस को फिर हम पाँच से भाग दे देंगे तो बचा कितना शेषफल जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 शेषफल रहता है, इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए अगर ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, एक संख्या या कोई संख्या या अन्य संख्या लिखा जाए तो जो सबसे पहले शेषफल दिया जाएगा उसी को आपको संख्या मान लेना है। तो संख्या कितनी दिया गया है, 30, 30 ही मान लेना है और इसी संख्या को 27 से विभाजित किया जाए, हम 27 से विभाजित कर देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो हम 27 से जब 30 में विभाजित करेंगे तो शेषफल आएगा 3 जो कि ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 रहता है, जब उसी संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए सेम प्रश्न है, किसी संख्या या अन्य संख्या या कोई संख्या, तो मैंने कहा जो शेषफल होता है उसी संख्या को मान लेना है। तो शेषफल पहला कितना है 7, उसी संख्या के वर्ग को तो इनका हमें कर देना वर्ग को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 7 का वर्ग होता है 49 और यहाँ होगा 16, 16 से करेंगे 16 या 48, शेषफल बचा 1 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर गीता का वजन 11.235 है तो 11.235 आप कर देंगे और उसके बहन का वजन उसका 1.4 गुना है तो 1.4 गुना से अगर आप गुणा करेंगे तो उसके बहन का वजन निकल आएगा। तो हम अगर गुणा करते हैं तो 14.75 और 14 3 42, 42 7 49, हासिल 4, 14 2 28, 4 32, 2 हासिल 3, 14 1 14 3 17 और 14 1 14 1 15। ठीक है, तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे तीन संख्या लगा है और पॉइंट के बाद एक ए लगा है, तो पॉइंट के बाद चार संख्या होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 15.72, इसका मतलब कुछ नहीं है 15.72, ये किसका वजन है, उसकी बहन का। और गीता का वजन कितना था, 11.235, बस हमें गुणा कर जोड़ देना है दोस्त, 11.235 प्लस 15.729। अगर हम ऐड करेंगे तो 9 5 14 और 3 2 5 1 6 और 7 2 9, 5 1 6 और 1 1 2 26, 10.967 होगा और 26.964 होगा जो कि ऑप्शन आपके सामने कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, सीमा को अपने पिता से रुपये 50 मिले जिनमें से उसने रुपये 15 की टॉफ़ी खरीदी और माँ ने रुपये 30 दिए पर उसके भाई ने उससे रुपये 42 ले लिए, तो उसके पास कितने रुपये बचे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सीमा को अपने पिता के द्वारा 50 रुपये मिले तो मैं यहाँ हम लिखेंगे 50, ठीक है, प्लस फिर कहा गया है उसने रुपये 15 की टॉफ़ी खरीद ली। अगर 15 की टॉफ़ी खरीद ली तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 की जो टॉफ़ी खरीदी उसे माइनस 15 कर देंगे, ये प्लस का 50 है ये आपको पता है। आगे कहा गया है उसकी माँ ने रुपये उसे 30 दिए तो फिर 30 दे दिए, फिर मैंने प्लस 30 कर दिया,
दिए और उसके भाई ने रुपये 42 ले लिए, तो 42 लिए तो फिर मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, बस यही आपको आंसर बताना। तो हम पहले प्लस प्लस जोड़ लेंगे, 50 30 कितना हुआ 80। ठीक है, 80 हो गया, और माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो यहाँ कितना हो गया 42 और 15 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 57। अब 57 से अगर हम 80 निकाल देंगे, 80 57 से निकाल देंगे तो बचेगा 23। तो 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती। देखिए अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, अपोजिट होता है। पहले हम हल करेंगे फिर आप लोग समझेंगे कि कैसे करते हैं। जैसे 3/10 प्लस 8/15 लिखा है, तो 10 और 15 का लासा हमें पता है कितना होता है 30। ठीक है, 10 3 30, 3 3 9 प्लस 15 2 9 30, 2 8 16, तो कितना आ गया अगर हम जोड़ेंगे तो 16 9 25/30। 25/30 को हम छोटा भी कर सकते हैं, 5 25 5 36, तो कितना आया 5/6। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है इसका अपोजिट, 5/6 को हम क्या कर देंगे 6/5, तो 6/5 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, उस समुच्च का चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। अब देखिए 36 के गुणनखंडों से कौन कौन, 36 का गुणनखंड कौन कौन करता है आपसे पूछा गया है। 2 से 36 कटता है, 3 से भी 36 कटता है, 4 से भी 36 कटता है, और फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी 36 कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी 36 कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से भी 36 कटता है, 13 14 15 16 से नहीं कटेगा, और 17 से नहीं कटेगा, 18 से भी 36 कटता है, और ऑलरेडी एक 36 से 36 कटता ही है। तो कहा गया था यहाँ पर उस समुच्चय को चुने जो 36 का गुणनखंड करता है, तो 2 3 4 6 9 12 18, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक दर्जन सेब का भार 1.8 kg है, तब 3 बक्सों में जिनका सामूहिक भार 23.25 kg है, तो कितने सेब होंगे, आपसे ये पूछा गया है। अब देखिए एक दर्जन सेब का भार 1.8 kg है, मतलब एक दर्जन में कितने सेब होते हैं, 12 सेब होते हैं, इसका भार है 1.8। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा 0.15 आएगा, क्योंकि 12 एकम 12 और 6 12 5 60। ठीक है, कितना आ गया 0.15, मतलब एक केले का जो दाम, सॉरी दोस्त, एक सेब का जो भार है वो 0.15 है। ठीक है, और अब सामूहिक भार कितना है 23.25। ठीक है, ये कुल भार है और एक का भार है 0.15। ठीक है, पॉइंट के बाद दो संख्या, तो पॉइंट से हमें लेना देना नहीं है, 15 एकम 15 काटेंगे, यहाँ बचा 8, इसमें हुआ 82, यहाँ 82 होगा, फिर 15 5 75 और फिर 15 5 75 कितना आ गया 155। तो कुल कितने सेब हो गए, 155 सेब हो गए, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, तो वह संभावित संख्या क्या है। देखिए एक संख्या का वर्ग, मैंने माना कि संख्या, माना संख्या क्या है यक्स। ठीक है, उस संख्या का क्या कहा वर्ग, ठीक है ये वर्ग हो गया, उसी संख्या के दो गुने से, उसी संख्या मतलब दो गुने मतलब दो यक्स से 3 अधिक है, तो 2x+3 हो गया। अब अगर मैं इसको पक्षांतर करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो इधर आएगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण बन गया। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको तोड़ने पर बनता है x माइनस 3 बनेगा, और एक बनेगा x+1। अगर आपको समीकरण तोड़ना आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसके। इसमें क्या करना होता है, इसका ऐसा खंड करना होता है कि जिससे घटाने पर बीच वाली संख्या -2 आए, तो 3 एकम 3 कर दिया, और 3 से 1 घटाएंगे तो 2 होता है, इस टाइप का समीकरण बनता है। अगर नहीं पता है तो बताइएगा, इसका मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अब x-3 अगर आया है, अगर मैं इसको बाहर करूँगा तो x का मान क्या हो जाएगा 3। इसी तरह x+1 आया है, अगर मैं इसको बाहर करूंगा तो ये प्लस में है, तो जब ये बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1। तो एक मान आ गया 3, एक आ गया -1, तो इसमें देखना है -1 और 3 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे। 2/9 भाग कहा गया है वयस्क थे, अगर 2/9 भाग वयस्क थे
और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। यहाँ पे कितनी अधिक है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 से 2 निकालेंगे 7/9 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है? 7/9 अधिक है, लेकिन बताया कितना जा रहा है? 95, तो हम लिख देंगे 95 अधिक। अब 7 से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, तो हम लिख देंगे 5/9 = 95। 5 से अगर मैं काटता हूँ 95 को तो 19 बार में 19 नवैया, क्योंकि बराबर का तिरछा गुणा होता है, 19 नवैया 171, तो टोटल संख्या कितनी है? 171। लेकिन पूछा क्या गया है, वहाँ कितने बच्चे मौजूद हैं? अब बच्चों की संख्या कितनी मैंने मानी है? 7/9। तो हम क्या करेंगे, बच्चों के लिए 7/9 से हम गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको काट देंगे, 9 × 1 = 9 और 9 × 9 = 81, 19 × 7 = 133। तो बच्चों की संख्या आ गई 133, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया, 37, 28, 456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग की गणना कीजिए। देखिए, आपको पता होगा कि अंकित मान उसी को हम कहते हैं, पहले मैं संख्या उतार लूँ, 37, 28, 456 अंकित मान उसी को कहते हैं जो संख्या दी गई है। तो अंकित मान ऑलरेडी हमें पता है कि अंकित मान क्या है, 7 है। ठीक है, हमें स्थानीय मान 7 का ज्ञात करना होता तो 7 × उसके बाद पीछे इसके देखना है कितने संख्याएं लगी हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें पता है, हमें 5 0 से इसे क्या कर देना होता है, गुणा। तो अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 7 लाख। कितना? 7 लाख। ये आ गया स्थानीय मान, ये आ गया स्थानीय मान, और साथ में क्या कहा गया, अंकित मान। तो अंकित मान कितना था? 7, तो 1 7 हम लिख देंगे, जोड़ देंगे तो 7,07,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परवर्ती संख्या क्या होगी? देखिए, ऐसे प्रश्न को आप अगर ऑप्शन के द्वारा हल करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर ऑप्शन नहीं ले रहे हैं तो आपको काफ़ी समय लग सकता है और हमें कम समय में वहाँ पे प्रश्न को हल करना है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, अगर मैं ऑप्शन लेता हूँ तो ये भी योग 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, तो मैं एक संख्या मान लेता हूँ कि चलिए एक संख्या है 32। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अंकों का योगफल 5 है, जब अंक उलट दिए जाते हैं, अब इसको अगर मैं पलटूंगा तो क्या हो जाएगा, उलट दूंगा तो 23 हो गया। क्या हो गया? 23 हो गया, क्योंकि 3 इधर कर दिया और 2 इधर कर दिया, उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती। तो क्या 32 से अगर मैं 23 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे अगर मैं घटाऊंगा तो 9 कम है, क्योंकि 32 से अगर मैं जैसे पलटा 23 आ गया, 23 अगर मैं घटा रहा हूँ तो 9 संख्याएं कम है, ये आपको पता हो गया। तो संख्या क्या हो गई? 23। अब कहा क्या गया, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी? देखिए, यहाँ सवाल आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया है, आपसे पूछा जाता है कि संख्या क्या होगी, तो आप कह सकते थे 32, आप कह सकते थे 32, लेकिन यहाँ कहा गया बदली गई संख्या क्या होगी, तो क्या बदला गया था? 23, तो 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। सेम प्रश्न ये भी है, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, तो संख्या का पता लगाएं। तो देखिए, 2 अंकों की संख्या क्या है? 10 योग, तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, हम एक एक ऑप्शन का सहारा लेंगे। पहला ऑप्शन उठा रहे हैं 46, इसको आपस में कहा गया है बदल दिए जाते हैं, तो मैं बदलूंगा कितना हो गया 64, तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। तो क्या 46 में 18 जोड़ने पर 64 होता है? आप कहेंगे जी हाँ, तो 18 बढ़ जाता है, तो इसमें क्लियर हो गया कि क्या हो जाएगा, 46 बढ़ जाता है, तो संख्या का पता लगाएं, तो संख्या क्या हो जाएगा, 46 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने परिवर्तित किया अंक को, तो यहाँ पे क्या हो गया 64 और 18 बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे संख्या का पता लगाएं, तो इससे 46 आपने कर दिया। अगर कभी पेपर में परिवर्तित संख्या पूछा जाए, परिवर्तित संख्या का पता लगाएं, तो आप 46 ना कह के तब 64 कहेंगे, लेकिन यहाँ पे कहा गया संख्या बताएं, तो इसका करेक्ट आंसर 46 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों का स्थान आपस में बदल देने के बाद
प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न ये भी है, देखिए इसका अंतर भी 4 है, 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 अगर मैं ऑप्शन ले रहा हूँ तो। लेकिन हम एक एक को चेक करेंगे। पहला मैं अगर ऑप्शन ये उठा रहा हूँ तो 37 है, इसको बदलूँगा तो क्या हो जाएगा 73। तो क्या ये जोड़ने पर, ये क्या जोड़ने पे 132 आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो आप पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन गलत है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन ले रहा हूँ तो यहाँ 84 है और इसको मैं परिवर्तित करूँगा तो यहाँ 48 होगा। 8 4 12 और 8 4 12 एक 13, 132 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेम प्रश्न ये भी है, एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है, तीन अंतर है, तो संख्या ज्ञात करें। इसका उत्तर अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये आपके लिए रामबाण है। अगर आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक